नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। स्पेन नई न्यूज में आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। पंजाब में इतना ड्रामा होने के बाद जो सच है वो आप तक बताया नहीं गया। क्या आपको पता है कि वाकई में किस वजह से कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ है? जिस तरह से उनके बयान आए हैं उससे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने इस्तीफा करवाया है, राहुल गांधी ने करवा दिया है या फिर प्रियंका गांधी ने। बिल्कुल भी ये हकीकत और ये सच्चाई नहीं है, और वही सच्चाई आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने बयान रखे, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अनुभवहीन है, नवजोत सिंह सिद्धू में तजुर्बा नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम दे देंगे, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि तस्वीरें साफ हुई, सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा नहीं करवाया, नहीं प्रियंका गांधी या नहीं राहुल गांधी। उनका इस्तीफा 40 विधायकों ने उनके खिलाफ पत्र लिखा था बजबते, वो नाराज चल रहे थे, वो उनसे मायूस चल रहे थे, और उन्हीं के परेशानियों के वजह से, उन्हीं के चुनौतियों के वजह से कैप्टन अमरिंदर ने ऐसा किया है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का जो है दावा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये तो आज भी कैप्टन अमरिंदर और अला कमान के बीच में ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तस्वीर से, इस घटना से अगर किसी और किसी का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वो इस वजह से क्योंकि पंजाब में चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी अपने ही चुनौतियों से लड़ रहे हैं जिसका हल अभी तक हुआ नहीं। अब देखना यही होगा कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलता है, इस परेशानियों को दूर कौन करता है और कांग्रेस का नया अध्यक्ष पंजाब में कौन बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन9 न्यूज़। नमस्कार।